सो मैं आया हूँ यहाँ पर अभी, रोजी है जो कि यहाँ पर आलू काटने के लिए आई है। रोजी कितना काम करोगी, कितना काम करोगी रोजी? सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हो रहा है मेरे घर में पूजा सत्यनारायण का, तो आज उसी के बारे में ये व्लॉग होगा। थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे, आपके साथ इस पूजा को हम शेयर करेंगे। तो चलिए फोटो की ना वीडियो आंटी के भन न घडा जान्छ पहिला सुरु खुवाइदिनु धानलाई दिन्छु। सो कसरी लाउनु? तिनटा लाइन माथि साइड साइडमा नि। तो अभी हम लगाएंगे कलश में ये धान। तो यहाँ पर अभी पक रहा है चना, और यहाँ पे और पकेगा चना, ये चना आधा है, दो राउंड में आएगा। और वहाँ पर वहाँ पे वो बॉयल हो गया, वहाँ पर आलू गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा, वहाँ पर आलू हो रहा है और यहाँ पर दूध उबल रहा है। क्या कहो सुना? जो सुमित है हमारा, सुमित भैया, वो भी पूजा में बैठे हुए हैं। तो जब तक वो नहीं आते तब तक मेरे तरीके से चलेगा ये ब्लॉग। एक्चुअली क्या है, उन्होंने भी फास्टिंग रखी है, तो उनको बैठना पड़ेगा कि वो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके घर पे पूजा हो रही है, तो इम्पोर्टेंट है, उनको बैठना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारा बन रहा है चना, क्योंकि चना बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए कुकर पर बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे चाय भी हमारी भाभी है, चाय दे रही है आके सबको, क्योंकि यहाँ पे सब काम कर रहे हैं। यहाँ पे खीर बन रहा है, खीर में आग थोड़ा कम है इसीलिए थोड़ा ज्यादा धुआं निकल रहा है और सबकी आंखों पे लग रही है। और ये हमारी आंटी अच्छा लगता है जब ऐसे पूजा घर पे कभी होता है तो हम लोग लाइक अ पिकनिक, पर ये एक्चुअली पिकनिक नहीं है, मैं भी चाय पी रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। यहाँ पे बन रहा है आलू दम, पिंक चिली डाल के। यहाँ पे हमारा अंकल रोटी बना रहे हैं, यहाँ पे आंटी रोटी को बनाएगी। यहाँ पे थोड़ा शेड है इसीलिए यहाँ पे बैठने का रीजन भी है इन लोगों ने। तो बाहर जो जो भी पका है थोड़ा थोड़ा करके चलाना पड़ेगा। सब यहाँ पे बन के रेडी हो गया, आलू दम, चना दाल, और यहाँ पे आपका खीर और भी बन रहा है। अंदर पूजा हो रही है,
यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम तो सब खत्म हो गया, फिर भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी फास्टिंग है आज, मैं और ये। Oh, my God.